अगर आप फ्रेंच रिवियरा में आ रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है ये ईस्ट विलेज को विज़िट करना। ये नीस और कान से अबाउट 25 किलोमीटर्स अप द माउंटेन है, करीब हाफ एन आवर की ड्राइव है। यू कैन टेक अ टैक्सी, बसेज भी यहाँ पर में आती हैं, बट यहाँ आके एंड इट्स अ हिस्टोरिकल विलेज, यू नीड टू स्पेंड 2 to 3 hours हेयर और तब यहाँ पर में काफ़ी अब रोम आउट कर सकेंगे, शॉप्स देख सकेंगे, आर्टिस्टिक चीज़ें, म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कपड़े, ये सब आप देख सकेंगे और ऑफकोर्स खाने की भी बहुत ऑप्शन हैं यहाँ पर। एज विलेज फ्रांस का, इसका फेमस होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर पिकासो आके पेंटिंग्स बनाते थे अपनी, और यहाँ के एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर में स्टोरी है कि पिकासो अपनी रेस्टोरेंट में ड्यूरिंग द लंच टाइम अपना कॉफ़ी पीते हुए एक पेंटिंग अपना बना रहे थे, तो वो ओनर को बहुत अच्छा लगा स्केच जो उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे स्केच दे दें तो मैं आपको इस लंच का चार्ज नहीं करूँगा। एंड पिकासो न्यू कि उनकी अपनी पेंटिंग की वैल्यू क्या है, तो पिकासो ने उन्हें कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपका पूरा रेस्टोरेंट नहीं खरीदना चाह रहा हूँ इस स्केच के बदले। तो ये छोटी छोटी गलियां हैं इस फोर्ट की, इस एज विलेज की, और इसमें छोटे छोटे यहाँ पर में शॉप्स हैं जिसमें बड़ी आर्टिस्टिक चीज़ें मिलती हैं और आर्ट वर्क है, कपड़ों की दुकानें हैं, सोवेनिर शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है यहाँ पर में, और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट इसी को देखने के लिए आता है। विलेज की छोटी लेन्स हैं और यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ है, सो छोटी छोटी जगहों में यहाँ पर में काफ़ी रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं, कहीं भी यू कैन से कहीं भी आप कुछ खा सकते हैं, यूजुअली इटालियन कुजीन, रिजोटो, पास्ता, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें वेजिटेरियन डिशेज भी मिल जाती हैं। ये बहुत ही क्यूट वॉकेबल विलेज है, पेडेस्ट्रियन पाथ है चारों तरफ, अगर आप फ्रेंच रिवियरा में आ रहे हैं तो आपको ये एज विलेज ज़रूर विज़िट करना चाहिए।